मेरे साथ हैं रोहित, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं मैंने सुना है। हाँ मैंने भी सुना है लेकिन देख नहीं पाया आज तक। क्या मतलब जो खाना बनाया वो दिखने लायक नहीं रहा। नहीं, ये जो आज एपिसोड है, मुंबई में हमारे जितने रेस्टोरेंट्स होते हैं वो उडुपी रेस्टोरेंट करके काफ़ी फेमस होते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि हमारे वेस्टर्न कोस्ट में जगह है उडुपी, जहाँ का वाकई खाना बहुत अच्छा होता है। एक जगह का नाम उडुपी। हाँ, जगह का नाम। हाँ जी, तो इसलिए ये जो डिश है, मीठी डिश और तरकारी हलवा। ओके, अब इसमें मैं काम में करता हूँ कि छोटे वाले पैन में ये है मेरे पास घी, थोड़ा घी ले लेता हूँ, और इसमें मुझे ये जो काजू हैं इसे मैं डालता हूँ ये घी के अंदर, बस सिंपल। और अब ये इसके अंदर डालें। एक्चुअली कुछ मुश्किल नहीं होता खाने में, क्योंकि हमें खुद कभी किया नहीं होता, कभी करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, तो बस इसीलिए तो इन दोनों को, अच्छा जरूरी नहीं कि इसको ऐसे खिलाना, ये स्पून है, हल्के से ऐसे भी हिला सकते हैं, स्टाइलिशली भी हिला सकते हैं। हाँ बस कुछ नहीं। ये जो पंपकिन था येलो वाला, उसको छीला, तो ये लेकर इसके अंदर। तो इसमें आप कुछ डालते नहीं, घी भी है? हाँ डालेंगे ना। दस लीटर ये क्या है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। घी डलेगा इसमें, बहुत सारा घी डलता है, लेकिन जितनी सब्जियाँ होती हैं ज़्यादातर उसमें पानी बहुत होता है, जाहिर सी बात है इस पंपकिन के अंदर भी काफ़ी पानी है, तो हमें एक काम करना है, सबसे पहले तो इसमें से जो पानी है वो निकालना है। सो पानी जलाना है इसमें। अच्छा, एक्चुअली पानी जलाना है, एक्चुअली पानी जलाना है। करेक्ट एपिसोड के लिए। यस, ओके, नाउ दिस इज डन। और ये जो पानी जलाने का काम है, इसे एकदम तेज आंच पर, जितना तेज कर सकते हैं उतना कर लेते हैं। अब ये जो पकते पकते इसमें से किसी पानी जो है वो निकल रहा है, और ये इसका जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी कम हो रहा है। ओके, अब ये जो है इसको और अभी पकने देते हैं। आप भी हिलाइए, घर वालों को लगना चाहिए कि मैंने काम किया है। अच्छा ये माय मॉम इज गोइंग टू वॉच दिस एपिसोड। यस, और वो बहुत खुश होंगे ये देख के बेटे ने पहली बार किसी और के किचन में काम किया। अपने में तो अपने करते नहीं है। बिल्कुल नहीं। अपने में तो पानी करते भी खुद लाना पड़े, बहुत बहुत मुश्किल बात है। अच्छा ये जो सरकार है, वो सरकार ये कैसा, क्योंकि आप रौनित और आप दोनों जी, मतलब स्क्रीन पर साथ में बहुत समय इकट्ठे, मैंने तो मुझे याद पहली बार, पहली पहली बार, बार है ना। हाँ पहली बार है, पहली बार है, तो मतलब कैसा लगता है, कुछ प्रेशर लगता है, मज़े ज़्यादा आते हैं? प्रेशर भी होता है, मज़ा भी आता है एक्चुअली ऑनेस्टली। प्रेशर ये होता है कि मेरे लिए जो प्रेशर है कि बड़ा भाई सामने है, तो एक प्रेशर होता है हमेशा, जैसे मैंने अभी स्टेज परफॉर्मेंस भी किया था, फिर उनके साथ जो भी परफॉर्मेंस करता हूँ, ये होता है कि मेरा भाई देख रहा है। हाँ। तो आई कैनॉट स्लिप, आई वॉन्ट हिम टू से के गुड जॉब डन। अच्छा ये अब जो इसमें से पानी काफ़ी हमने सुखाया है, इसमें अब डाल देते हैं चीनी। ओके, हमने एक काम किया कि इसमें जो चीनी थी वो डाली, अब वो पानी सा बन गया, पहले तो पानी निकाला फिर वो पानी बन गया। बट व्हाट वी विल डू इज कि इसको हम पकाएंगे, गाढ़ा करेंगे। अच्छा ट्रेडिशनली जो ये डिश है बहुत ज़्यादा स्वीट होती है, काफ़ी मीठे लोग पसंद करते हैं, आप चाहें तो इसमें कम मीठा कर सकते हैं, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, लेकिन अब जब बना ही रहे हैं तो ट्रेडिशनल रूप में बनाएंगे, वह वहाँ कैसे खाते हैं, तो इसको अब पकने देते हैं। तो चलिए ये जो हलवा है इसमें चीनी डालने के बाद, अब आप इसको देखें तो ये इसकी जो चाशनी है ये गाढ़ी हो गई है, ये देखें। तो अब एक काम करना है, अब इसमें डालना है घी। नॉर्मली क्या है, ये जो घी है बहुत ज़्यादा डालते हैं, मैं नहीं डालूंगा। हाँ हाँ, ग्लॉस कितना अच्छा आ गया, ग्लॉस भी काफ़ी अच्छा आ गया इसमें। अच्छा ये है मेरे पास इलायची पिसी हुई, छोटी इलायची खुशबू के लिए इसके अंदर, और ये जो काजू और किशमिश थोड़ा सा हमने वाह पकाए थे ना वो इसके अंदर। ये नहीं नहीं एकदम परफेक्ट कर रहे हैं, मुझे कुछ हाथ ऑलमोस्ट डन। या इट्स ऑलमोस्ट डन। अब इसे बंद कर देते हैं
और हो गया हलवा तैयार। सिंपल है ना? फैंटास्टिक यार, नॉट बैड। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, बहुत मजा आया। इसी तरह से हलवा खाएं, भागें आप बिल्कुल ना भागें, नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। इसके लिए हमें चाहिए एक कप ग्रेट किया हुआ भोपला, डेढ़ कप चीनी, आधा कप घी, 10 किशमिश तले हुए, 10 काजू तले हुए और एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इसके लिए एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच घी गरम करके इसमें किशमिश और काजू डालकर भून लें और इसे निकाल लें। अब एक पैन में ग्रेट किया हुआ भोपला डालकर भूनें और जब इसका पानी सूख जाए तब इसमें चीनी डालकर इसे पका लें। अब इसमें बचा हुआ घी, इलायची पाउडर और तले हुए काजू और किशमिश डालकर मिलाएं और गर्मा गर्म परोसें।